हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मेनी मेनी कोर्सेज। सो आज अपन देखेंगे कि भैया किस किस कोर्सेज के अंदर कौन कौन से बच्चों के कितनी कितनी रैंक आई है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, कोमल प्रजापत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन 491 मार्क्स के साथ फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चे ने। और यहाँ पे जो अप्लाई किया है, टोटल जो अप्लीकेंट्स है वो है 681। ठीक है, लास्ट के जो अप्लीकेंट्स है कुछ के 00 मार्क्स भी है, फिर भी इन लोगों ने अप्लाई किया। मतलब कॉन्फिडेंस देखो आप लोग बच्चों का, मार्क्स नहीं कॉन्फिडेंस तो देखिए आप लोग। 0 मार्क्स पे भी अप्लाई कर दिया, हालांकि मेरे को बहुत सारे कोर्सेज के अंदर माइनस मार्क्स में भी देखने को मिले कुछ बच्चे। 681 टोटल एप्लीकेंट्स है जिन्होंने एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर अप्लाई किया। अब यार जिनके 0 मार्क्स है, जिनके 50 मार्क्स है, जिनके 100 मार्क्स है, उनका जनरली यार सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में तो होगा नहीं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो जस्ट हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान में एनरोल कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में जो है डायरेक्टली हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो यार उसमें जरूर से एनरोल कर सकते हो, काफी कम काउंसलिंग फीस के अंदर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा दिया जाता है, जिसका जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा होता है। तो जस्ट यू कैन एनरोल नाउ सीयूटी गाइडेंस प्लान, जिसका लिंक गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, एक यार व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है सीयूटी यूजी से रिलेटेड, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन। ओके, अब ये तो यार जनरल कैटेगरी मतलब सभी आ गए, सारे के सारे ऑल ओवर टोटल बच्चे आ गए। उसके बाद देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ ओबीसी वाले जो बच्चे हैं तो उनका क्या सारा सीन है, तो ओबीसी वाले जो टोटल है वो है बच्चे ऑलमोस्ट 376। ओके, तो यहाँ पे भी वो 0 वाले बच्चे आ गए। और ओबीसी में जो है हाईएस्ट कट ऑफ कितना रहा है 491 कोमल प्रजापत। ओ माय गॉड, ओबीसी कैटेगरी से होने के बाद भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर आई है बच्ची। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा एससी कैटेगरी में यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इन कोर्सेज का तो काफी ज्यादा डिमांड है। वैसे अगर मैं बात करूँ इस कोर्सेज की, ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी है। ठीक है, तो 59 बच्चों ने अप्लाई किया है एससी कैटेगरी में और हाईएस्ट स्कोर है 483। उसके बाद आता है एसटी कैटेगरी, यहाँ पे जो टोटल बच्चे हैं वो है 36। ओके, EWS कैटेगरी के अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे टोटली 55 बच्चों ने अप्लाई किया है और हाईएस्ट स्कोर है 391 रोहित शर्मा जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, देन नेहा है, अतुल मिश्रा। ओके, अब मैं कुछ यार अदर कोर्सेज की बात कर लेते हैं, जैसा कि फिजिक्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आंकड़ों की अगर अपन बात करें तो 640 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया टोटली, लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों के 00 मार्क्स हैं। इनको भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फिर भी 1,000 रुपये लगा के अप्लाई किया इन लोगों ने। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, मार्क्स कम है लेकिन कॉन्फिडेंस बच्चों में खूब है। उसके बाद यार मैं बात करता हूँ फिजिक्स का, हमने देख लिया। माइक्रोबायोलॉजी का भी काफी बच्चों की डिमांड है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में भी काफी कितने बच्चों ने अप्लाई किया, 507 बच्चों ने अप्लाई किया, जहाँ पे 0 की लाइन लगी हुई है नीचे देख सकते हो। यार जिन भी बच्चों के 0 मार्क्स आए हैं, 1, 2, 300, 150, 200, जिनको ऐसा लगता है कि भैया हमारा तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा नहीं एडमिशन, तो
तो वो जो है हमारी पेड काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं आपका किसी ना किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जो है हमारी एक्सपर्ट टीम आपका एडमिशन करा देती है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया नीचे, उसमें आप लोग जो है जरूर से एनरोल कर सकते हो। उसके बाद यार स्टैटिक्स जो है बेसिकली बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, बिकॉज फ्यूचर में इसकी डिमांड भी है, तो इसमें भी काफी बच्चों ने अप्लाई किया है, और यहाँ पे भी जीरो वाले काफी ज्यादा बच्चे हैं। देख सकते हो यार, ये एक स्टूडेंट है वर्षा, जो कि मेरे को काफी सारे कोर्सेज के अंदर देखने को मिली है। तो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफी लो मार्क्स है, फिर भी उन लोगों ने सारे कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर दिया, तो यार ये काफी गलत था। मतलब ओबियसली सभी को पता है कि किसी के 0 मार्क्स है, किसी के 10 मार्क्स है, तो उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कंपटीशन है। और 15 लाख अप्लीकेशन भरे गए थे, 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दी है, और कुछ ही परसेंट सीटें हैं, 1% सिलेक्शन रेशियो नहीं है। फिर भी आप लोग अगर ऐसे अपने 10,000 रुपये बर्बाद करना चाहते हैं, अपने जो भी पैसे हैं, तो यार ये काफी ज्यादा गलत है। मतलब हम पढ़ाई करने कर रहे हैं, और हम जस्ट लाइक इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, फिर हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, राइट। 12 टोटल बच्चों ने अप्लाई किया है EWS कैटेगरी के अंदर, ये जो भी है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी बच्चों, आपका 12 का टोटल का हो जाएगा, जीरो पे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये कौन सा कोर्स है, MSc, ये यहाँ पे काफी कम बच्चों ने अप्लाई किया, तो इस कोर्स में ऑलमोस्ट 110 बच्चे टोटल है जिन्होंने अप्लाई किया है, जहाँ पे जीरो वाले बच्चे भी आए हैं। उसके बाद है यहाँ पे EWS और ST वाले बच्चे भी हैं। ST में टोटली 6 बच्चों ने अप्लाई किया, तो इनका सभी का हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद यार मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स को एक काफी अच्छा माना जाता है, मैसे केमिस्ट्री को, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये काफी अच्छे कोर्सेज माना जाते हैं। यार आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आई थिंक 4 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, और 7 नवंबर फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की, ठीक है। टोटली जो अप्लीकेंट्स है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लिए 455 लोगों ने अप्लाई किया है, हालांकि यहाँ पे सबसे कम मार्क्स है जो कि 7 है, ठीक है। और जिन भी बच्चों के काफी ला मार्क्स है, डोंट वरी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका 1 साल बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो गाइस ये सारा सीन है, आपकी जो फाइनल है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, आप अपनी यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं। जिन बच्चों को ऐसा है कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कॉलेज में होगा, हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा दो, तो वो जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, जहाँ पे जो है आपका पूरा एडमिशन हम करा देते हैं ऑलमोस्ट किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अब आपको 4 तारीख को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, फर्स्ट वाली, ठीक है। थैंक यू।